हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का गांधी परिवार पर बड़ा बयान। विज ने कहा, ये गांधी ही नहीं, इन्होंने महात्मा गांधी का नाम चुरा लिया। नेहरू परिवार का गांधी परिवार से कोई रिश्ता नहीं। इंदिरा गांधी की शादी फिरोज शाह गैंडी से हुई थी, जिसकी स्पेलिंग GHANDY थी। इन्होंने गैंडी को गांधी बना दिया और महात्मा गांधी का नाम चुरा लिया। और मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि ये किस बात के गांधी हैं? मैंने महात्मा गांधी का सारा फैमिली ट्री देखा, उसमें कहीं पर भी नेहरू परिवार से उनका कोई रिलेशन नहीं दिखाया गया। वास्तव में इंदिरा गांधी जी की शादी फिरोज शाह गैंडी से हुई थी, वो गांधी नहीं था, ही वाज GHANDY गैंडी। अब इन्होंने गैंडी को गांधी बना दिया और महात्मा गांधी का नाम चुरा लिया। ये किस बात के गांधी है? वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दे डाला। कहा कि गांधी परिवार के रिमोट के लिए हो रहा है चुनाव। नहीं, कांग्रेस का ये जो चुनाव हो रहा है, ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है, वास्तव में जो गांधी परिवार के रिमोट के लिए चुनाव हो रहा है, तय ये होना है कि गांधी परिवार का रिमोट इन दोनों में से कौन बनेगा। तय तो इसका होना है, क्योंकि कांग्रेस का तो इतिहास ही नहीं, नॉन कांग्रेस का। इन्होंने सीताराम केसरी को बनाया था, फिर उठा के दफ्तर से बाहर फेंका था, और सबसे पहले 1939 में सुभाष चंद्र बोस लड़े थे अध्यक्ष पद का चुनाव, और गांधी जी का कैंडिडेट था पिताजी सीतारमैया, और वो हार गए थे, सुभाष चंद्र बोस बन गए थे। तो अब डिटर्म पूरी नहीं कर चुके, उनको मजबूर कर दिया गया था कांग्रेस को छोड़ने के लिए, अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए, और उन्होंने फिर अपनी अलग पार्टी बनाई। ये तो गांधी परिवार के सिवा ये पार्टी चला ही नहीं सकते। विज ने कहा कि इन्होंने सीताराम केसरी को बनाया था, फिर उनको दफ्तर से बाहर फेंका था। विज ने कहा कि सबसे पहले 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े थे, और गांधी जी का कैंडिडेट पिताजी सीतारमैया था जो हार गए थे, और सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, जिसके बाद वो अपनी टर्न पूरी भी नहीं कर सके और उनको मजबूर कर दिया गया कि वो अपना पद और कांग्रेस छोड़ दें, जिसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई। विज ने कहा कि ये गांधी परिवार के सिवा पार्टी नहीं चला सकते। विज ने इस दौरान गांधी परिवार पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। सत्य सटीक बेबाक।